इंदौर से 35 किलोमीटर दूर इस वक्त हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर आना, जहां पर रुकना, जिस जगह को महसूस करना हर व्यक्ति का सपना होता है। जी हां, इस वक्त हम इंदौर से 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बैठे हुए हैं जहां पर एक पैरा हीलिंग सेंटर, पैरा हीलिंग गार्डन बना हुआ है। अपने आप में एक अद्भुत जगह, अपने आप में एक अद्भुत अनुभव और प्रकृति के बीच का जो ये सौंदर्य है, इसे यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे, पैरा हीलिंग जो गार्डन है, इसके पीछे कौन है, क्या सोचकर इस गार्डन को बनाया गया और आखिर इसका महत्व क्या है, एक और खास चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पर जो मिस्र के पिरामिड हैं, उस आधार पर पिरामिड बनाए गए हैं जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर रुककर आप अपनी ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे उस शख्स से, उस व्यक्ति से जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे है। प्रकृति की गोद में पैरा हीलिंग गार्डन, और इसको इनिशिएट किया है अवि गुप्ता ने। अवि जी, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये विचार है, लेकिन हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये विचार कहाँ से जन्मा और ये है क्या चीज़। देखिए, इस जगह का नाम है पैरा हीलिंग गार्डन। पैरा मींस पिरामिड, एनर्जी, हीलिंग मतलब आपकी बॉडी एंड माइंड की हीलिंग, और गार्डन मींस आप देखेंगे आपके हर एक आई लेवल पे, आप कभी पिरामिड में रहेंगे, आप सोएंगे तो आपके आई लेवल पे गार्डन ही रहेगा, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने पैरा हीलिंग गार्डन रखा हुआ है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जो भी पिरामिड्स देखेंगे तो इनका जो एंगल है वो 51 डिग्री 50 सेकंड्स का है, जिसके द्वारा ये अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करके 3 times ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो जो भी बॉडी इसके अंदर रहती है, आप मेडिटेट करते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है 3 times ज़्यादा। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मेडिटेट करेगा, यहाँ रहेगा, तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत ही एक किसी और ही लेवल पर रहेगी। तो यही हम लोग का पर्पज़ था कि इसकी कॉस्मिक एनर्जी को लोगों तक पहुँचाना। जी, प्रकृति के बीच में आपने ये पिरामिड बनाया हुआ है, क्या कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, क्या उनके ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं जैसे आप ये कह सकें कि हाँ, इन पिरामिड्स का वाकई कोई इम्पैक्ट है? देखिए, एक तो मैंने ये मुझ में चेंज आया, मतलब मेरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हेल्थ को ले तो मेरा कुछ टाइम पहले पेट में अल्सर हो गए थे, मैंने मनापनासति मेडिटेशन शुरू किया, प्रैक्टिस किया, पिरामिड के नीचे प्रैक्टिस किया, मेरा 3 to 4 months में अल्सर सारे ठीक हो गए। तो एक ये भी रीज़न था, और प्लस मेरे एटीट्यूड में, मेरी पॉजिटिविटी में या मेरे बिहेवियर में जो अंतर आया, तो मुझे लोगों तक वो पहुँचाना था, इसलिए हम लोगों ने पैरा हीलिंग गार्डन क्रिएट किया। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जैसे कुछ महीने पहले यहाँ पर एक फैमिली आई थी जिनको बहुत सारी बीमारियाँ था, ब्लड कैंसर था उनका, डायबिटीज़, उनका हाइपरटेंशन, ये सब था, और वो 3 days के लिए उन्होंने यहाँ पर बुक किया था। उनको 3 days में रियलाइज़ हुआ कि उनका ये सारी जो दवाएं वो लेते हैं 30 tablets, वो धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने 10 days एक्सटेंशन किया, फिर 10 days किया, टोटल वो 45 days यहाँ पर रहे, और 45 days में उनकी जो 30 tablets वो लेते थे रोज, तीनों फैमिली मेंबर्स कंज्यूम करते थे, वो उनकी 1 or 2 tablets पे कन्वर्ट हो गई। और वो इतने खुश हैं, और अब वो अपना चाह रहे हैं कि हम लोग अपना घर ही इस तरह का बनाएं पिरामिड में, जहाँ पर हम लोग पिरामिड और होलिस्टिक लिविंग एक्सपीरियंस कर सकते डे टू डे लाइफ में। अभी जी, ये बताइए कि आखिर जब पिरामिड का इतना बड़ा महत्व है और इतना ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं, आखिर ये आम लोगों के बीच में क्यों पहुंच नहीं पाया?
देखिए साउथ में तो आप देखेंगे तो करीबन 10,000 पिरामिड्स बने हुए हैं। जैसे आप पिरामिड वैली है बेंगलोर में, वो एक सेंटर है जहाँ पर उन्होंने इसी थीम को प्रमोट करने के लिए रखा हुआ है। ब्रह्मऋषि पत्री जी हैं जो PSS मूवमेंट के फाउंडर हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को स्प्रेड कर रहे हैं। आप बेंगलोर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 50-60 वॉलेंटियर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने, जिसको डॉक्टर्स ने या फिर सोसाइटी ने आउटकास्ट कर दिया था कि भाई पैसे ना होने के बाद इलाज नहीं हो पा रहा है, और पिरामिड वैली में जाके उन्होंने अपने को क्योर किया और पिरामिड में मेडिटेशन करके। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं जी। ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, परिवार यहाँ पर आता है, तो उसको किस तरह की सुविधाएं, क्या वो यहाँ रुक सकता है रात में, उसको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, खाने की व्यवस्था कैसे होती है, और कितने समय तक यहाँ रुक सकता है, उसके उस फायदे क्या होंगे उस? देखिए जब हम लोगों ने इसको डाला तो हम लोग का मेन मोटिव जो था वो मेडिटेशन को प्रमोट करना था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको इस तरह से प्रमोट करना शुरू किया तो 100 में से 2 लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे मेडिटेशन में। फिर इसको हम लोगों ने रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पर पार्टीज़ भी होती है, क्योंकि पार्टीज़ हम लोग इसलिए कराते हैं कि जब तक लोग आएंगे नहीं तो लोगों को कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं फॉर पार्टीज़, वो यहाँ पर आते हैं, पार्टी करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं, और फिर जब वो आते हैं तो उनको जब कॉन्सेप्ट पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम वो अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, उनके साथ आते हैं, तो फिर इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं। और पिरामिड में आप कभी मेडिटेशन करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिटेशन वैसे करें तो उसका कुछ असर नहीं होगा, सिर्फ इसका यही अंतर है कि आप जब पिरामिड के नीचे करेंगे तो 3 times ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 times फास्टर आपको आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो यही हम लोग का है कि आप पिरामिड में रहिए, उसकी कॉस्मिक एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करिए, और फिर आपकी जो एनर्जी लेवल, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा, आपकी इफिशियंसी वो किसी और ही एक लेवल पे होगी जी। जो हम महसूस कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं हम अभी जी से, कि यहाँ पर आप परिवार के सहित में आ सकते हैं, यहाँ पर रात रुक सकते हैं, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने परिवार के साथ में खुद खाना बनाएं, खुद रहें, और यहाँ नेचर को अनुभव करें, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अनुभव करें, इस पिरामिड के नीचे बैठकर, इसके बीच में बैठकर आप योग करें, प्राणायाम करें, या आप खाली भी बैठेंगे तब भी आपके ऊर्जा में जो ऊर्जा का जो स्तर बढ़ेगा वो लाजवाब होगा। अभी जी इसके अलावा आपने क्या सुविधाएं दी हुई हैं, क्या इसके अलावा कुछ और भी क्रियाएं हैं यहाँ पर? पायरा हीलिंग गार्डन में बेसिकली हम लोगों ने एक मिड लैब बनाया हुआ है जो बेसिकली थेरेपीज़ के लिए है। एक थेरेपी हम लोग जो देते हैं यहाँ पर, फ्लोटेशन टैंक है। फ्लोटेशन टैंक इंडिया में सिर्फ 2 जगह है, एक पूना में है और एक बेंगलोर में है, तीसरा हम लोगों ने यहाँ डाला है। वो बेसिकली डेड सी वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इसराइल में जो डेड सी है, जहाँ पर आप पानी में फ्लोट होते रहते हैं, आप डूबते नहीं हैं, तो वही डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटेशन टैंक का एक थेरेपी दी हुई है। फिर शिरोधरा हम लोगों ने जो केरला की एक थेरेपी है वो हम लोगों ने दी हुई है। पोटनी मसाज है, स्टीम बाथ है, स्प्लैश पूल है, यहाँ पर डेक है, 3 पिरामिड्स हैं, यहाँ पर आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एज का आदमी आता है तो वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकता है, और प्लस कभी वो स्पिरिचुअली और मेडिटेशन थेरेपीज लेना चाहता है तो वो भी उसको मिल सकते हैं। कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि गर बर्रुए जमीअस्त अमीअस्तो अमीअस्तो अमीअस्त, यानी यही यदि कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है, लेकिन हम आज पैरा हीलिंग गार्डन में आकर ये महसूस कर रहे हैं कि इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश में कोई स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं कहीं है। अभी गुप्ता जी ने इस विचार को मूर्त रूप दिया, लेकिन यदि इसे रिवाइव किया, इस मूर्त रूप को लोगों तक पहुंचाया, तो वो एक नाम है दिव्या गुप्ता, जो अभी जी की वाइफ हैं। दिव्या जी इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो योगा टीचर भी हैं, योग को समझती भी हैं, योग करवाती भी हैं, और अब इस विचार को वो आगे बढ़ा रही हैं। दिव्या जी ये बताइए कि चूँकि जिस जगह पर हम बैठे हुए बहुत खूबसूरत जगह है और एक छोटा सा स्वर्ग है, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इसके क्या फायदे आपने महसूस किए हैं? सिर पिरामिड का जो एनर्जी लेवल रहता है वो तो आप लोग यहाँ पे आते से जो आपने फील करा वो मैं यहाँ पे फील करती हूँ। आप
जब घर पे आपकी एनर्जी रहती है और वही आप यहाँ पे आते हैं तो इट्स टोटली रिवर्स, मतलब आप में ऐसा लगता है कि ऑरा पूरा एनर्जी का फ्लो हो रहा है. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ पिरामिड. क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जंगल के बीच में ही बनाया जा सकता है, कहीं और भी इसका डेवलप किया सकता हूँ? ये हम लोग हर घर पे पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि हर कोई इतनी दूर नहीं आ सकता है. तो हम लोग अभी इसको हर छत पे लेकर आ रहे हैं कि अपने पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो आप अपने चेहरे, आप अपने छत पर इसको करवा सकते हैं. और यहाँ पर जो लोग आए, जिन्होंने यहाँ पर पिरामिड में कुछ समय बिताया परिवार के सहित में आए, कुछ ऐसे लोग भी आए जिनको कुछ बीमारियां भी थी, क्या उसमें कोई फायदा उनको हुआ? Yes, उनका मतलब ये तो हम लोगों के लिए भी मिरेकलस था क्योंकि कैंसर भी ठीक हो सकता है ये हम लोगों को नहीं मालूम था. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये तो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी 1.5 महीने से यहाँ पर रहकर गए हैं संदीप जी. उनकी वाइफ को, उनकी डॉटर को कैंसर था, वो कैंसर तक ठीक कर कर गए हैं. सो दैट्स द मिरेकल ऑफ पिरामिड. मतलब ठीक हो गया, डॉक्टर ने बता दिया कि ठीक हो गया है. सो उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट करवाई थी और वो दवा के बिना रह नहीं सकते थे और यहाँ पे उन्होंने पूरी मेडिसिन अपनी बंद कर दी थी. यहाँ पे 45 डेज उन्होंने स्टे करा था पूरा. सो दैट्स द मिरेकल ऑफ पिरामिड. तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या हर व्यक्ति को इस पिरामिड कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहिए, और अपनाना चाहिए तो कैसे कर पाएगा वो? सर मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को अगर अपने में एनर्जी लेवल को फील करना है तो उनके घर पे भले ही आप पिरामिड का रूम नहीं बनवाएं तो एटलीस्ट बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर या फिर उनके बेड के ऊपर तो पिरामिड शेप का होना ही चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले आके विजिट करें और यहाँ पे स्टे करके देखें, क्योंकि ये जो पिरामिड है इसके अंदर जब आप स्टे करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो डायरेक्टली आपको महसूस होती है, और वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो कॉस्मिक एनर्जी इसका जो संगठन है वो आपकी बॉडी में जिस तरीके से वर्क करता है, आप इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लाइफ को समझने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग बनती है, आपका प्रोडक्टिव रेशियो बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, और कुल मिला के आप बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, जो कि आप इसको एक टेम्पल की तरह भी सोच सकते हैं. बेसिकली ये रिसोर्ट है जो कि पायरा पिरामिड के ऊपर है, तो वही मुझे काफ़ी एंटाइसिंग लगता है. तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ पर हर कोई व्यक्ति विजिट करे. पैरा हिलिंग गार्डन जो है वो पैरा हिलिंग गार्डन क्यों है, क्या हैं इसकी खासियतें, ये खुद बताएंगे अभी गुप्ता जी. अभी गुप्ता जी, ये जो आपने बनाया हुआ है पूरा, इसके पीछे क्या मतलब, इसमें क्या क्या चीज़ है? देखिए, ये जो सबसे पहले इसकी जो खासियत है वो तो पिरामिड्स हैं जिनका जो एंगल है वो 51 डिग्री 50 सेकेंड्स में है, जहाँ पर ये कॉस्मिक एनर्जी को 3 टाइम ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल में फ़र्क आता है. दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर थेरेपीज डाली हुई है. थेरेपीज में हम लोग के पास फ्लोटेशन टैंक है जिसको सेंस डेप्रिवेशन टैंक बोलते हैं, जहाँ पर 2 फिट के पानी में आप तैरते रहते हैं, आप डूबते नहीं है. दूसरा, हम लोग के पास शिरोदरा है, वहाँ पर हम लोग ऑयल की स्ट्रीम आपके फोरहेड पे डालते हैं, जिसमें आपका जितनी भी दिमाग की माइग्रेन या आपका सर दर्द, आपका मेंटल पीस, वो सब आप पाते हैं. जेट फील फेशियल है हम लोग का, ये एक थेरेपी है जिसमें आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है, तो बेसिकली लेडीज़ बहुत लाइक करती हैं इसे. फिर पोटली मसाज है, जो हम लोग का एक नेचुरोपैथी डॉक्टर है, उनसे हम लोग का टाइप है, वो आते हैं और आपको वाइब्रेशन थेरेपी देते हैं मसाज के साथ. फिर हम लोग का यहाँ पर स्टीम बाथ है और स्प्लैश पूल है, एमबी थिएटर है और स्पोर्ट्स रूम है.
तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर है जिससे आपका डे टू डे, आपका पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आपका मन लग सकता है यहाँ पर।